हेलो दोस्तों, सनम बुटीक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ब्लाउज के बैक नेक गले का डिजाइन बनाना बताऊंगी। ये मैंने ब्लाउज के पीस कट करके रखा है और ये इसकी लाइनिंग है। अभी देखो, इनको पहले हम ज्वाइंट करेंगे। इस एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कट कर दिया है। अभी इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। यहां से हम 2.5 इंच रखेंगे। शोल्डर हमारा 5.25 इंच है। आर्म होल इनकी 6.5 इंच है और फिटिंग 10 इंच। 10 इंच हमारे गले की लंबाई है तो हम 10.5 रखेंगे। इधर से हम 3 इंच रखेंगे। इधर से हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। अभी इसको देखो, हम कपड़े के ऊपर चिपका लेंगे। अभी देखो, हम इसको गले के ऊपर लगाएंगे। पहले इसका बीच सेंटर मिलाएंगे। अब हम इसको सील देंगे। इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे। ये हमें सिलाई से दूर लगाने होते हैं। अभी देखो, इसको अंदर की तरफ पलट देंगे। अभी देखो, हमने इसको अंदर की तरफ पलट दिया है और एक हम 2 इंच की पट्टी लेंगे। ये 2 इंच की पट्टी है हमारे पास। अभी देखो, ये हमने पूरी पट्टी ऐसे तैयार कर ली है। अब हम 2 इंच की एक पट्टी कट करेंगे। सभी इसी के बराबर कट कर देंगे। ये हमने 2-2 इंच की पट्टियाँ काट के पूरी कंप्लीट कर दी है। अभी देखो, इसमें डिजाइन बनाएंगे। ऊपर से हम 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस पट्टी को ऐसे लेंगे
और हाफ इंच से थोड़ा कम बाहर की तरफ दिखाएंगे। ये देखो हमने ये पट्टी लगा ली है, इसी तरह हम इस साइड पे भी लगा लेंगे। ये देखो हमने ये दूसरी साइड भी इसको अटैच कर दिया है। अब हम एक ये डोरी लेंगे और इसके अंदर पास करेंगे। देखो हमने इसके अंदर ये डोरी पास कर दिया है दोनों तरफ। अब हम इस साइड पाइपिंग लगाएंगे। इसके अंदर हल्के हल्के कट लगा देंगे। अभी देखो इसको हम अंदर की तरफ में पलट देंगे। इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे और अंदर की तरफ में ऐसे कर देंगे। अब हमें जितनी पाइपिंग की ज़रूरत है उतना हम बाहर की तरफ दिखाएंगे। इसको भी हम यहाँ सील देंगे। अब हम इसके कमर पे भी पाइपिंग लगाएंगे। अभी देखो हम इसको अंदर की तरफ में पलट देंगे। अब हम इसके किनारे किनारे एक लेस लगाएंगे हाफ इंच की दूरी के ऊपर। यहाँ से हमें यहाँ तक हाफ इंच की दूरी रखनी है। देखो ये पट्टी हमारी अटैच हो गई है। अब हम इसके ऊपर ये डोरी अटैच करेंगे। देखो डोरी हमारी लग गई है। अब हम इसके पीछे टक्स लगाएंगे। ये देखो मेरे ब्लाउज का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। आपको मेरा डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना।